अनिल जी बताएंगे ये क्या सारा दुर्घटना जो हुई है, कैसे हुई है और आपको कैसे पता चला कि थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज रफ्तार से जो ट्रक आ रहा था तो इन्होंने सीधे आके दुकान के अंदर ही ये घुस गया। उसके बाद इन्होंने पूरी दुकान जो है डैमेज हो गई। फर्क तो इतना था कि यहाँ पे कोई भी जो मोहल्ले के लड़के काफी इधर बैठे होते हैं रात को, कई बार लाइट वगैरह चली जाती है और बुजुर्ग औरतें वगैरह भी कई बार बैठी होती हैं, वो सभी लोग सेफ ही रहे, बचाव हो गया जान माल। ये किन की दुकान टूटी है, क्या है व्यक्ति की दुकान? ये जहाँ राकेश कुमार जी है जहाँ से उनकी दुकान है और एक लड़का करता था किराए पे बेचारा, तो वो भी कई बार दुकान के अंदर ही होता था। आज बदकिस्मती से वो नहीं था यहाँ पे, तो आप खुद ही देख सकते हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ, पूरी दुकान जो है डैमेज हो गई है। तो भाई मेहरबानी करके जो गरीब आदमी है जिसकी दुकान टूटी। तो इनके ड्राइवर थे वो कहाँ गए? ड्राइवर और कंडक्टर तीन लोग थे, लड़के कह रहे थे तीन लोग थे, वो भाग गए हैं इधर कहीं, वो सारे ठीक ही हैं। वो तो नुकसान अंकल जी थोड़ा। मैं महिंद्रपाल शर्मा। के अंकल जी के वाक्य हो सारा? आदमी मेरी ये दुकान है जी, मैं तो सो रहा था, मुझे मोहल्ले वालों को फोन है भी यहाँ पे अनहोनी हुई है, मैंने आके देखा कि ट्रक एक गरीब आदमी है जिसकी दुकान के बीच में घुस है, उसका सारा सामान सभी कुछ उसका नाले में गिर गया और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। किस चीज की दुकान थी अंकल ये? वो ये बेल्डिंग का काम करता है, ये पंजाब का भी यार डेली आके यहाँ दिहाड़ी लगाता है वो, और ट्रक वाले बहुत पता नहीं किसी स्पीड से आया, ये रैंप भी तोड़ा उसने, शटर तोड़ा, बिल्डिंग तोड़ी, पिलर तोड़ा और अंदर घुस गया ट्रक को। इतना शुक्र है कोई वो यहाँ पे सोया हुआ नहीं सर, कभी रात को यहाँ भी सोता वो, ये तो भगवान की कृपा से बच गया बेचारा वो, और ट्रक वाला भाग गया वो, उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस गरीब आदमी को। तो मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट से उसकी कोई मदद करनी चाहिए थोड़ी बहुत, झाड़ीदार आदमी है वो, कभी झाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है, और आप मीडिया वालों की कोई चाहिए भी की मदद करे, कुछ कोई गवर्नमेंट को बोले इस गरीब आदमी की मदद करो। Thank you.